प्रदेश में ई कल्याण सॉफ्टवेयर में हर योजना उपलब्ध हो जाएगी। अब उम्मीदवारों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक क्लिक करके ही आवेदन का लाभ मिलेगा। कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, जिसमें अब लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिल सकेगी। प्रोजेक्ट के सफल होने पर जल्द ही पूरे हिमाचल में योजनाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से लोगों को मिलने वाली योजनाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा, जिला हमीरपुर और जिला ऊना में कल्याण विभाग की सभी योजनाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके तहत बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अल्पसंख्यक योजनाएं, अक्षम व्यक्तियों के लिए योजनाओं सहित अन्य सभी कल्याण योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके तहत लोगों को अब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शुरुआती चरण में प्रोजेक्ट को ई कल्याण सॉफ्टवेयर को सफल बनाने के लिए कल्याण विभाग द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे अब आवेदन करने के लिए पहुंचने वाले लोगों के फॉर्म भी ऑनलाइन ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जमा करवाए जा रहे हैं। विभाग ने लोगों को भी ऑनलाइन माध्यम के बारे में जानकारी दी। कल्याणकारी योजना के ऑनलाइन होने से समाज के वृद्धों और दिव्यांगों सहित अन्य जरूरतमंद लोगों की बड़ी सुविधा मिलेगी। अब आवेदन करने के लिए विभागों के बार बार चक्कर भी नहीं काटने होंगे। उम्मीदवार अपने घर पर अपने परिवार सहित किसी भी व्यक्ति के माध्यम से योजनाओं को लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। साथ ही प्रदेश में भी ई कल्याण सॉफ्टवेयर को कांगड़ा और चंबा की तर्ज पर जल्द शुरू कर दिया जाएगा। ई कल्याण सॉफ्टवेयर जो है वो पेंशन से संबंधित सॉफ्टवेयर है हमारा। इस वक्त जो है NIC वाले उसको चलाते हैं और वही मैनेज करते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो NIC का सॉफ्टवेयर है, ये जो है वो एक केवल उसको NIC वाले ही मैनेज करते थे और इसको हमें जो है वो NIC में इसकी फिटिंग होती थी यहाँ जिला स्तर पर ही। लेकिन अब सरकार ने इसको जो है वो और पारदर्शी बनाने के लिए और लोगों को इसमें सुगम बनाने के लिए इसको जो है वो तहसील स्तर तक और साथ में व्यक्तिगत रूप से भी, मतलब व्यक्ति जो है इसको अपने घर से ही ऑपरेट कर सके, ऐसा करने के लिए इसको जो है वो और जो सरल बनाया है। तो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमीरपुर जिले में और कांगड़ा जिले में और ऊना जिले में चलाया जाना है। तो इसका जो है अभी एक डमी जो है एक हमारे को सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, जिसको अब हम अपनी तहसील स्तर से चलाएंगे और जब ये अगर सक्सेसफुल रहता है, ये अगर सॉफ्टवेयर का इसका संचालन, तो फिर इसको पूरी तहसीलों में और पूरे जिलों में इसको लागू किया जाएगा।